हैप्पी बर्थडे बेटा। हैप्पी बर्थडे। ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए। ये पापा की चॉइस है। पता है कितने हफ्तों से सोच रहे थे तुझे ये देने की। बताओ ना। हाँ हाँ हाँ, इसमें वही है जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था। मतलब वही तेरा फेवरेट। तू तो खुद खोल ले, मैं बताऊंगा नहीं। अरे ये क्या है? इतनी महंगी घड़ी खरीदने की क्या जरूरत थी? इनके कहने का मतलब है कि इससे भी ज्यादा महंगी गिफ्ट लेनी चाहिए थी। पता है ये तो कल आ रही थी, पर पापा ने इंस्टेंट डिलीवरी से आज ही मंगा ली तेरे लिए। दूसरी बार किसी डिलीवरी पे इतना बुरा लग रहा है। क्या? नहीं कुछ नहीं, सेलिब्रेट करते। सेलिब्रेट करते, केक काटते। ये देख। हाँ भाई, हाँ बस निकल ही रहा हूँ। अरे अब से बर्थडे घर पे थोड़ी सेलिब्रेट करूंगा। मम्मी पापा को बुरा क्यों लगेगा? अरे मैं बड़ा हो गया हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ। हाँ निकल गया बस। हेलो। वेलकम। तो जैसे कि आप जानते हो कि मैं बड़ा हो गया हूँ, तो घर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो मुझे चेंज करने पड़ेंगे। रूल नंबर एक, आज से मेरा कर्फ्यू रात के 9 बजे के बजाय सुबह 2:15 पे खत्म होगा। नंबर दो, खाने में आज से क्या बनेगा ये मुझसे भी पूछा नहीं होगा। मेन्यू। और नंबर तीन, रही बात मेरे प्राइवेसी की, तो उसकी भी इज्जत आपको करनी पड़ेगी। तो अब से जब भी आप मेरे कमरे में घुसोगे तो 2 नॉक करना पड़ेगा और 1 OTP शेयर करना पड़ेगा। एक्सेस डिनाइड। कोई शक? बेल्ली। पापा मैं पुलिस कंप्लेंट भी कर सकता हूँ। पर बाय द वे मैं तो बस खाने पे बैठा था तो बेल्ट लूज करने लगा था। अब अपने बाप की 3 बातें तू सुन ले। नंबर 1, कर्फ्यू टाइम के बाद भी अगर तू घर से बाहर रहा, चाहे जिसके साथ भी रहा, तो उनको ही अपना माँ बाप समझ लेना। नंबर 2, अरे खाने में क्या बनेगा उसके लिए तेरी माँ मुझसे नहीं पूछती तो तू फिर भी अनप्लान्ड था। और नंबर 3, देख बेटा, हम जानते हैं मानते हैं कि अब तू बड़ा हो गया है, तुझे प्राइवेसी की जरूरत है, तो अब से तेरा कमरा, तेरे खाने की झूठी प्लेटें, वो तेरे गंदे बदबूदार कच्चे तू खुद धोएगा। कोई शक? यार पापा मैं नहीं खेल रहा यार आपके साथ, कोई मतलब ही नहीं है। मतलब इस बार आपकी जेब से आपको वो चीज चाहिए जिस काम आज तक कभी इस्तेमाल नहीं की। दिमाग तुम्हारा बहुत छोटा है लेकिन हमारा जेब में नहीं रखा। अरे पापा गाड़ी का चाबी चाहिए पापा। बेटा ज्यादा मांग लिया। गाड़ी चलानी सीखनी है ना तुझे? कौन सिखाने वाला था? ये मेरी गाड़ी है, मैं चलाना सिखाऊंगा ना। अरे डोंट वरी, है मैंने भी अपने पापा से ही सीखी थी। अब मैं पापा बन गया हूं, मैं अपने बेटे को सिखाऊंगा ठीक उसी तरह जिस तरह पापा ने चलानी सिखाई थी, प्यार से। अरे गियर पे हाथ क्यों डाल रहा है भाई? गाड़ी चल रही है उसको चलने दे चुपचाप। ठीक है। अच्छा सॉरी, काम डाउन। अच्छा ओके, न्यू सिचुएशन। ये इमेजिन कर कि हम हरिद्वार के किसी हाइवे पर गाड़ी चला रहे हैं। हाँ कर लिया। कर लिया? हाँ। शाबाश। अब ये बता कि हम लेफ्ट लेन में हैं कि राइट लेन में? लेफ्ट। आसपास क्या दिखाई दे रहा है? गंगा नदी। हाँ तो हाथ नहीं जोड़ेगा? हाँ। अरे क्या कर रहा है गधा कहीं का? हाथ जोड़ने के लिए स्टेरिंग छोड़ देगा कोई? तेरे मुख तक देख के ना सच में ऐसा लगता है तुझे गाड़ी तब सीखनी चाहिए जब तेरा अपना बच्चा 18 का हो जाए। गधा कहीं का।
चीयर्स जोड़े। यार अमन भैया यार मेरे पापा यार मुझे अभी भी छोटा बच्चा ही समझते हैं, ना ही नाइट आउट करने दे रहे हैं, ना ही रेजर को हाथ लगाने देते, ना ही अपने मोबाइल पे पॉर्न देखने देते। मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे उनको लगे कि उनका बेटा बड़ा हो गया है? ऐसा क्या कर सकता हूँ? अपनी बाप के बात करा, लोड मत ले इतना। हटरा का हो गया ना तू? हाँ बड़ा हो गया तू अभी, थोड़े बड़ा हो गया तू अभी, कुछ भी कर सकता है। क्या बोला मैंने? कुछ भी कर सकता है तू। जैसे कि बीट दे जिगी 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 जिगी। जैसे अपने घर वालों की मर्जी के बिना भग के शादी कर सकता है, अगर बात सही मारे तो डिवोर्स ले सकता है, गर्दन पे अपने तो किसी का टैटू मारा सकता है, चढ़िया पुरानी तो उल्टा पहन सकता है, नहाने की क्या जरूरत, डीओ लगा सकता है, पैसे की जरूरत तो जोखिम भरा काम करके फरार हो सकता है, फरार हो सकता है, फरार हो सकता है, छोड़े पुलिस ने पकड़ा तो बेटा जेल हो सकता है, जेल हो सकता है छोटे, जेल हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि मुझसे कुछ हो पाएगा। वो तो मुझे पता है, इसीलिए हर्ष को पूछ रही हूँ। हर्ष देख तो कुछ हो सकता है। पापा वो इलेक्ट्रिसिटी बिल तो भर दे। नहीं ऐसे भी बाकी के सारे काम तो तू खुद ही कर रहा है। हाँ। तो ये भी भर दे। क्या? हाँ मम्मी। अच्छा फिर से डिब्बे बंद नहीं हो रहे? अरे ना ना बेटा, रख अपने पास, रख दे बिल, भर दे, पैसे पेड़ पे उगते हैं, तोड़ के ले आ और बिल भर दे। नकुल है ना नकुल, उसके छोटे भाई का बर्थडे है इसलिए शेव कर रहा था। अच्छा ला मैं कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं पापा, अभी मैं बड़ा हो गया हूँ ना, कोई बात नहीं। अरे बेटा बचपन से लेके आज तक हर नई चीज मैंने तुझे सिखाई है। हाँ है ना। हाँ अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं करके नहीं दिखाता, मैं तुझे सिखाता हूँ, तू कर ले ठीक है। अब ये देख, ये ऐसा ऐसा नहीं ऐसा। अच्छा वैसे एक बात बता। हाँ। ये नकुल के छोटे भाई से ही मिलने जा रहा है ना, या नकुल की बड़ी बहन से? अरे पापा यार आप जब से मैं घर से निकला हूँ ना बाहर, किसी की नजर में आने की हिम्मत नहीं हुई है, क्योंकि मैं खुद नीचे देख के चलता हूँ, समझा? अबे तेरा बाप क्या चीज है तो देख, यूं अड़े लेता हूँ उसे। ए! उड़े के पापा? हाँ हाँ हाँ। तुम तो श्रीवास्तव के बेटे हो ना? हाँ। नहीं नहीं हाँ? वो अंकल वो जेल में अभी, मैं तो आपके बेटे जैसे। पापा रे पापा एक मिनट, तू पी के आया है? नहीं नहीं मम्मी, मैं तो शराब छूता तक नहीं, मुझे तो पता ही नहीं ओल्ड बॉय कितना उल्टा है।
हाँ तो ये बात तू हमें देख के बोलना, दीवार में घुस कर क्या बोल रहा है? देखा, मैं कह रही हूँ ये पी क्या है। तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हो, बोलो ना उसे कुछ। चल, आजा, आजा, आज मैं तुझे अच्छे से होश में लाता हूँ, आजा। हैंगओवर उतरेगा, होश में आ जाएगा। और नहीं पी घटिया, एक नंबर का घटिया इंसान, अगली बार अगर पी के आए मुझे फोन करके बता देना पहले से, ताकि मैं चुपचाप दरवाजा खोलूं, किसी को पता ना चले, समझा? ओके। सो जा चुपचाप। टाइम से पहुंचना है ना। सुन बेटा, हॉस्टल जाके ना बाहर का ज्यादा मत खाना, और जो लड्डू दिए हैं ना एक ही बार में मत खा जाना, और बांटना तो बिल्कुल ही नहीं, ठीक है? अच्छा सुन बेटा, सब कुछ ले लिया ना, कुछ छूटा तो नहीं? चल फिर, ध्यान रख। कुछ खास छूटा नहीं, बस वो माँ जो खुद से ज्यादा मुझसे प्यार करती थी वो कहीं पीछे छूट रही थी, और पापा, पापा के बारे में तो अब क्या ही बताऊं। वो इंसान जिसने मुझे पहली बार चलना, ड्राइविंग करना, यहां तक कि शेविंग करना भी उन्होंने सिखाया, वो पापा जिसने मुझे शराब के नशे में धुत देखकर भी मम्मी के मार से बचाया, ये पूछने वाले का क्या बताऊं अब उनके बारे में। मम्मी तो चलो अब से हर रोज टच में रहेगी, लेकिन कम बोलने वाला वो इंसान जो फोन उठाकर शायद ही कभी खुद कॉल कर पाएंगे, उन पापा के बारे में मैं क्या बताऊं। मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे पैसे मांगने में अब शर्म आई, इसलिए बैग में मेरे बिना बताए एक्स्ट्रा पैसे छुपाने वाले हूँ पापा, क्या बताऊँ उनके बारे में। सच कहो तो कभी लगा ही नहीं इतना कुछ होगा पापा के बारे में बताने के लिए, लेकिन आपसे ये सब तो पता चल ही गया। कितना भी बड़ा हो जाऊंगा, रहूंगा मैं अपने बाप के लिए एक बेटा है। Hey guys, hope you like this video. अगर आपको भी हर्ष की तरह शेव करते वक्त कटने का डर लगता है तो यूज कीजिए जिलेट मार्क 3 रेजर, जिसके 3 ब्लेड्स दें आपको क्लीनर और स्मूदर शेव। वैसे तू भी अभी जिलेट मार्क 3 यूज करता है? Yes, I did. So don't forget to check out the product link in the description down below, and don't forget to like, share and subscribe to the viral fever.